आगे का पैराग्राफ है, चंद्रकला तत्र से लेकर भजे चंद्रपीड़ो अभी तत्र शिलातले निरभिमानतां अतिगंभीरतां च कादंबर्यां निष्कारणवत्सलयां महाश्वेताया अतिसमृद्धिं च गंधर्वराजलोकस्य मनसा भाव्य केमूर्केण संवाह्यमान चरण क्षणादिव क्षणादं क्षपितवान् अतिसमुद्गते सवितरिशिलातल्लात् उत्थाय चंद्रपीड़ा प्रक्षलित मुख कमल कृत संध्यान संस्कृति गृहित तांबुल केवका विलोक देवी कादंबरी प्रबुद्धा व नवा क्वातिष्ठत इत्योच। चंद्रपीड़ ने उसी शिला तट पर कादंबरी की अभिमानहीनता तथा अत्यंत गंभीरता और महाश्वेता की निस्वार्थ स्नेह तथा गंधर्व राज चित्ररथ के वैभव को मन ही मन सोचते हुए केवुरक द्वारा पैर दबाए जाने से सारी रात को क्षण मात्र के समान बिता दिया। चंद्रपीड़ शिला तट पर लेटे हुए कादंबरी के बारे में और महाश्वेता और गंधर्व राज चित्ररथ के बारे में सोचता हुआ उसने पूरी रात बिता दी। इसके पश्चात सूर्योदय होने पर शिला तट से उठकर चंद्रपीड़ ने हाथ मुँह धुला अज समुद्गते सवितर शिलातलात उठाए। इसके बाद प्रातःकाल शिलातट से उठकर चंद्रपीड़ ने प्रक्षालित मुख कमला शिलातट से उठकर उसने कमल के समान सुंदर अपने मुख को धोया, संध्यावादन किया कृत संध्या कृति संध्यावादन मतलब पूजा पाठ किया और पान खाकर गृहित तंबूलम पान खाकर केवुरक को आदेश दिया। केवुरका विलोक केवुरक का देखकर उसने आदेश दिया कि जाओ देवी कादंबरी प्रबुद्धा व ना वा का तिष्ठति, देवी कादंबरी जगी हैं या नहीं और वह इस समय कहाँ हैं, ऐसा उसने कहा। केवुरक कहाँ जाकर गत प्रवृत्त निर्वध्य चाहते केवुरक वहाँ जाकर लौटा और राजकुमार से बोला देव मंदर प्रसादात अधिस्पता। वह अंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर अंगगण सौध वेदिका आंगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ अवधिष्ठति माने बैठी हैं। इति विदेतिताम आलोकितम अजगाम, ऐसा कहने पर चंद्रपीड़ उसे देखने के लिए आया। दृष्ट्वा च कादंबरी समुत्सृत और कादंबरी के पास जाकर तस्या समुत्सृत कादंबरी के पास जाकर तस्माय सुधा वेदिका विनमस्त आसनम भेजे, उस वेदी पर रखे हुए आसन पर बैठ गया। इस कल्याण से जैसे जो प्रश्न उभर कर निकलते हैं वह आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे आप लिख लें और याद करें। केवुरका विलोक देवी कादंबरी प्रबुद्धा नवा को तिष्ठति, इसका रेखांकित कांश पूछा गया है। अर्थ है केवुरक को चंद्रपीड़ आदेश देता है कि देखो देवी कादंबरी जगी है या नहीं तथा वे कहाँ हैं। चंद्रपीड़ के समवाय मानस चरण छड़ाधु छड़ाधु छपितवान, चंद्रपीड़ कौन उसके पैरों को दबाता है तो केवुरिय संवाय माना चरणा क्षणाम क्षणाधि क्षणदाम छपितवान। छपितवान मैंने बिता दिया, क्षणदाम माने रात्रि को और क्षणाधि माने क्षण मात्र के समान, क्षण मात्र के समान क्षण भर में क्षण बिता दिया, क्षणदाम माने रात्रि को बिता दिया। चंद्रपीड़ केवुरेण चंद्रपीड़ शिलातलात उठाए कि मकलो, चंद्रपीड़ शिलातल से उठकर क्या करता है, अपने प्रक्षलित मुख कमल कृत संध्यान अपने मुख कमल को धुलता है और पूजा पाठ करता है।
कादंबरी अंग सौदुल का कया सवाल पुष्टर कादंबरी अंग सौदुल वेदिका महाश्वेता सा अवतिष्ठत आंगन की वेदी पर किसके साथ कादंबरी बैठी है महाश्वेता के साथ और अंगगढ़ सौदुका राम का शाब्दिक अर्थ क्या है महल के आंगन की वेदी पर गद प्रतिनिधित्व का शाब्दिक अर्थ लिखिए जाकर लौटे हुए। इस तरह से आपके गद्यांश भाग से कुछ प्रश्न निकलेंगे जो कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उन प्रश्नों को इन प्रश्नों को आप अपने गद्य खंड में ही खोजिए और उसी में से सोचिए कि इसमें कहाँ है, उसी में से खोज कर लिखना रहता है। तो पहले आप उसको पढ़ेंगे, इसके बाद उसी गद्य खंड से इन प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे और उसे लिखेंगे और इसको पढ़ें समझिए। धन्यवाद।